आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। साल 2017 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज के उत्तर प्रदेश की नींव साल 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में पड़ गई थी। तभी से ही इसे शॉर्टकट में यूपी कहा जाने लगा था। आज के समय में उत्तर प्रदेश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी रूप से भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। साल 1920 में यहाँ की राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ ट्रांसफर की गई। साल 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया और दो साल बाद टिहरी, गढ़वाल और रामपुर की रियासतों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद साल 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश आर्थिक, क्षेत्रफल, जनसंख्या और संस्कृति सभी मामलों में काफी ताकतवर राज्य माना जाता है। राज्य में करीब 23 करोड़ लोग निवास करते हैं। यूपी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। राज्य में 403 विधानसभा सीटें और राज्यसभा की भी कुल 31 सीटें हैं, जो सबसे अधिक है। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश ने देश को अभी तक प्रधानमंत्री दिए हैं। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और भगवान श्री राम नगरी अयोध्या यही स्थित है। इलाहाबाद का संगम कुंभ के लिए मशहूर है। तो वहीं राज्य में ताजमहल से लेकर अनेकों विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। ये सभी स्थान यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं।